ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में है, लेकिन इस पर राजनीति जमकर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई और आदेश पर आपको यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और फिर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन की बातें सुना देते। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता, शिव ही सत्य है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 1991 का वर्शिप एक्ट सबको मालूम है, ज्ञानवापी, उसके बाद न जाने कौन कौन सी मस्जिदें, और सब मिला के 3000 मस्जिदों के ऊपर प्रॉब्लम खड़ी करना चाह रहे हैं। तो आखिर इस देश में करना क्या चाहते हैं? देखिए राकेश जी, धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए आप ही लोग कहते हैं, और कोर्ट में मुकदमा है, उसके बावजूद मौर्य जी ने कह दिया शिव ही सत्य है, मतलब फैसला आ गया आप बीजेपी की तरफ। कोई संदेह है क्या? नहीं नहीं, स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए, शिव सत्य है, इस बात में किसी को कोई संदेह है क्या? मुझे लगता है दानिश कुरैशी को भी इसमें संदेह नहीं होगा। शिव सत्य है और सत्य ही सुंदर है, ये सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना पर किसी को कोई परहेज है क्या? ये तो सूत्र वाक्य है, भारत के संविधान ने इसको स्वीकार किया है, भारत का आम जनमानस इसको स्वीकार करता है। इस वाक्य में तो किसी का क्या मतलब है? नहीं हो सकती। नहीं देखिए, इस बात मैं आपका सवाल क्या है और उसका जवाब क्या है, उसको साथ आप जोड़कर कैसे देखना चाह रहे हैं, ये आपका अपना मंतव्य हो सकता है, लेकिन शिव सत्य है और सत्य जो है वो सुंदर है, इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। श्रावण मास चल रहा है इस समय, करोड़ों भक्त इस समय अपने भगवान पर इस समय रुद्राभिषेक करते हैं, उन पर जल न्योछावर करते हैं, जल चढ़ाते हैं उन पर, इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन इस मसले को लेकर के मेरा इतना कहना है कि अपने अपने विश्वास है, अपने अपने बिलीफ है, अपनी अपनी आस्था है, दानिश कुरैशी की अपनी आस्था है, इनको अपने खुदा पर भरोसा रखना चाहिए और खुदाई से नहीं डरना चाहिए। हिंदू पक्ष को अपने आदि विश्वेश्वर पर काशी विश्वनाथ पर भरोसा रखना चाहिए और उनको उसके साथ विश्वासी बने रहना चाहिए, अपनी आस बनाए रखनी चाहिए। अपने आस्था के पक्ष में तथ्य, तर्क और साक्ष्य ये कोर्ट में कसौटी पर कसे जाएंगे, नहीं तो, और इसीलिए साक्ष्यों के संकलन के लिए ही ऑफ इंडिया की बात है। कोर्ट से भी इसी सत्य की अपेक्षा है राकेश त्रिपाठी? मुझे देखिए, सरकार के तौर पर आप कहेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसको संकल्पित है अक्षरशः लागू करने के लिए, और संवैधानिक तौर पर बाध्य भी है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसको देश के हर नागरिक को सर माथे रखना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कोर्ट अपने फैसले में किन किन बातों को स्वीकार करेगी, किन बातों को किस रूप में कैसे उसकी प्रक्रिया लेकर के चलेगी, ये तो कोर्ट की प्रक्रिया है ना, उस पर भरोसा रखना चाहिए। कोर्ट का एक फैसला आया कि एसआई से सर्वे होना चाहिए, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि इसको 2 दिन तक के लिए टाल दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है एक विधि की परिधि के दायरे में दानिश कुरैशी से जवाब ले रहे हैं, दानिश कुरैशी पर भरोसा रखना चाहिए। आप ही राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि दानिश कुरैशी को इस बात को मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि शिव ही सत्य हैं। देखिए ये बात बिल्कुल हकीकत कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता जब बात करते हैं ना, तो उन बातों को समझने की जरूरत है, और सीधे सीधे तौर पर अगर आप चीजों को समझेंगे तो समझ में आएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही देश में इस प्रकार की राजनीति करती आई है, हमने देखा किस तरीके से 1990 के दशक में उन्होंने क्या किया, सारी दुनिया ना वाकिफ नहीं है उससे। हमने देखा उसके अंदर में आज तक बाबरी मस्जिद के शहीद करने वाले लोग थे, क्या हुआ उनका, क्या कोई फैसला आया उससे? नहीं आया। तो सवाल यह है कि जब सवालों का घेरा, जब एक वर्ग जो सवालों के घेरे उसमें है, जब हम ये कह रहे हैं कि भाई प्रेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जब बात है, तो आप उन चीजों को उस पर वो एक्सक्लूड ही किस तरह से कर सकेंगे कि जब अगर एक कानून ही नाफिज है यहाँ पर, तो उन चीजों को अगर बढ़ाने कर अल्टीमेट आप कहां ले जाकर खड़ा करेंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। दूसरे नंबर की बात यह है कि इस तरह की जो रंजिश अगर बढ़ने की बात है कि भाई लोगों के पक्षों के बीच में अगर राजनीतिक पक्ष जिस तरीके की बात करेंगे, अगर उनका स्टेटमेंट इस तरीके से आएगा, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से राजनीति करने की जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है ये आपके सामने नजर आ रही है, बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रही है। नहीं, लेकिन आपने 1991 वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया है, ये मैं कुछ ग्राफिक्स दिखाऊं, उससे पहले जल्दी से सुभाष नंदन जी से एक रिएक्शन ले सकता हूं। सुभाष नंदन जी, आप हिंदू पक्ष के वकील हैं, मुस्लिम पक्ष बार बार इस एक्ट का जिक्र कर रहा है, इसकी क्या काट है आपके पास? देखिए 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, इसकी पूरी जानकारी मुस्लिम पक्ष को या तो नहीं है या तो ये भ्रमित करते हैं। ये कानून जो है बना है इसलिए धर्म स्थल के लिए, उपासना स्थल के लिए। अब प्रश्न ये है कि जो स्थल विवादित है, जो अभी डिफाइन परिभाषित नहीं है कि मंदिर है कि मस्जिद है, आपका कहना है कि मस्जिद है, हमारा कहना है मंदिर है, तो मंदिर और मस्जिद के विवाद के बीच में ये कानून कैसे लागू करेंगे आप? या तो उस कानून में डिफाइन किया गया होता कि ज्ञानवापी परिसर जो है मस्जिद है,
तब ये हम अगर इसको आगे बढ़ाते तब जो है आप कहते हैं कि कानून का उल्लंघन है, तो ये डिफाइन तो है ना उस कानून में ज्ञानवापी पर सर। 1947 में भी 15 अगस्त के पहले और उसके बाद भी जो है विवादित परिसर था, तो जब विवादित परिसर है तो फिर ये कानून किस पर लागू करेंगे? हम कह रहे हैं मंदिर है, ये कानून हमारे पक्ष में लागू हो रहा है। और दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है किसी परिसर का जो है नेचर और एज जानना जो है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं है। लंबी बहस इसी जिला न्यायालय में चला है, मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष ने अपने अपने सारे तर्क रखे हैं इस कानून के संदर्भ में, और कोई साक्ष्य जो है कहीं से यह सिद्ध नहीं कर पाया है मुस्लिम पक्ष कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस दावे को जो है बाधित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दानिश कुरैशी इस पर रिस्पॉन्ड भी करना चाहते हैं, वो भी उनसे भी बात करूंगा मैं, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी आप गलत बयानबाजी करते हैं। सुभाष नंदन जी आप वो गलत बयान कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उनको बोलने देंगे अभी। एक मिनट, सड़कों पर आप चिल्लाते हैं, ठीक है, उनसे दोषारोपण करते हैं, लेकिन अरे आप राजनीति मत करिए, उनको राजनीति करने दीजिए ना। सुभाष नंदन जी, राकेश त्रिपाठी को राजनीति करने दीजिए, आप तकनीकी पक्ष पे रहिए, आप रहिए।